नमस्कार, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं टेक्निकल टाइम्स। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग एक दूसरे से बात करेंगे कि लॉकडाउन के बाद हमें किस तरह के मोबाइल फोन्स की खरीदारी से बचना चाहिए। दोस्तों, बात करेंगे सबसे पहले कुछ ऐसे फ़ोन्स की जो स्पेसिफिकेशंस के मामले में किसी से कम तो नहीं है, लेकिन आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ के साथ इसे खरीदना पड़ेगा। दोस्तों, इस करीब में पहला फ़ोन है हमारे सामने मोटो G8 पावर लाइट, और ये करीब करीब 9000 रुपये का आता है। अगर इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसके साथ आपको 4GB का रैम, 64GB का रोम दिया जाता है जो कि 256GB तक का एक्सपेंडेबल है, और 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले भी दिया जाता है, 5000mAh बैटरी भी है, 16MP का प्राइमरी कैमरा है और 8MP का इसमें फ्रंट कैमरा भी दिया जाता है। तो स्पेसिफिकेशन वाइज अच्छा है, लेकिन आपको इसमें एक चीज़ से बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, वो है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एंड्रॉयड 9। आज के डेट में करीब करीब सभी मोबाइल्स में आपको एंड्रॉयड 10 कम से कम देखने के लिए तो मिल ही जाएंगे। 11 भी आम बात हो गई है आज के डेट में, लेकिन ये आउटडेटेड चल रहा है, तो इसके लिए मैं आपको इससे दूर रहने की सलाह दूंगा। दोस्तों, इस कड़ी में अगला फ़ोन है हमारे सामने इन्फिनिक्स हॉट 9 प्रो, जो करीब करीब 9500 रुपये का आता है। और स्पेसिफिकेशंस की बात करें इसमें तो 4GB का रैम दिया जाएगा, 64GB का रोम आता है इसमें जो कि 256GB तक का एक्सपेंडेबल है, और 6.6 इंच का HD+ डिस्प्ले आपको इसमें भी देखने के लिए मिल जाता है, 48MP का प्राइमरी कैमरा आपको इसमें देखने को मिलेगा, और 8MP का आपको फ्रंट कैमरा भी मिलेगा, 5000mAh की बैटरी भी है। लेकिन आप लोग को इसके साथ एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा, वो है इसका प्रोसेसर जो MediaTek Helio P22 आता है। इस प्राइस रेंज में आपको इसे बेटर प्रोसेसर देखने को मिल सकते हैं, तो इससे भी मैं बचने की सलाह दूंगा। दोस्तों, इस कड़ी में अगला फ़ोन है हमारे सामने Realme Narzo 10, जो कि करीब करीब 12000 रुपये का आपको आता है। इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 4GB रैम, 128GB का रोम है 256GB एक्सपेंडेबल के साथ, और 6.5 इंच का इसमें HD+ डिस्प्ले आता है, 5000mAh बैटरी मिल जाएगी आपको देखने के लिए, 48MP का इसका प्राइमरी कैमरा है, और 16MP का फ्रंट कैमरा भी आता है इसमें। MediaTek का G80 प्रोसेसर आपको इसमें मिल जाता है देखने के लिए। सब कुछ इसमें अच्छा है, लेकिन आपको इसमें एक चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, और वो है इसका डिस्प्ले जो कि HD+ डिस्प्ले है 12000 के रेंज में। अगर आपको गेमिंग वगैरह करने का शौक़ नहीं है, गेमिंग वगैरह आप बहुत कम करते हैं या ना के बराबर करते हैं, तो आपको इससे बच के रहना चाहिए, और इस प्राइस रेंज में आपको फुल HD डिस्प्ले वाला मोबाइल कोई खोजना चाहिए। दोस्तों, इस सीरीज में हमारे सामने अगला फ़ोन है Redmi का Note 9 सीरीज का, और इसमें भी आपको अच्छे अच्छे स्पेसिफिकेशंस देखने के लिए मिल जाते हैं। आपको 5020mAh की बैटरी सभी सीरीज में आपको मिलेंगे देखने के लिए, 48MP का मेन कैमरा आपको मिलेगा, और 16MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा सेल्फी के लिए। लेकिन आपको इसमें एक चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, वो है इसका क्वालकम स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर, और ये पुराना प्रोसेसर है जिसको इन लोगों ने करीब करीब 16500 रुपये का लॉन्च किया है, तो ये अभी के डेट के हिसाब से महंगा है आपके लिए। आपको इस बजट में इसे अच्छे प्रोसेसर के फ़ोन भी देखने के लिए मिल जाएंगे, तो अगर आपको 2-3 हज़ार रुपये कम के अगर ये फ़ोन मिलते हैं Redmi Note 9 सीरीज़ के, तो आप ख़रीद सकते हैं, अभी ये बेशक महंगे पड़ रहे हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे कुछ ऐसे फ़ोन्स के बारे में जो देखने में काफ़ी प्रीमियम लगते हैं, क्वालिटी वाइज भी बढ़िया है, लेकिन इनकी ब्रांड वैल्यू कुछ उस तरीके की नहीं है जिससे हम इन पर कुछ ज़्यादा खर्च कर सकें। और इस कड़ी में पहला फ़ोन आता है हमारे सामने MI का 10, और स्पेसिफिकेशंस के मामले में यह किसी से कम नहीं है। 8GB का रैम आपको मिलता है, 128GB का रोम मिलता है, आपको 6.67 इंच का डिस्प्ले भी मिल जाता है, 20MP का फ्रंट कैमरा मिलता है, 108MP का रियर कैमरा मिलता है, 4780mAh की बैटरी भी आपको मिल जाती है। इसी के साथ आपको क्वालकॉम स्पेक्ट्रा 480 ISP प्रोसेसर भी इसमें देखने को मिल जाता है, लेकिन ये करीब करीब 52649 रुपये का आ रहा है अभी के डेट में, और ये MI के ब्रांड वैल्यू के हिसाब से बहुत महंगा है, और
इसमें और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है आपको इस फोन के साथ, वो है आपको इस फोन के यूजर इंटरफेस के साथ, जो इसमें आपको एनवाइंग एड्स वगैरह आते रहेंगे और कभी कभी तो ये एड्स काफ़ी वल्गर होते हैं। आप लॉक स्क्रीन खोलते हैं और आपके सामने कुछ नंग धड़ंग तस्वीरें आती है, आपको फैमिलीज के सामने आपको अपने फ़ोन को खोलने में भी शर्म आएगी। तो करीब करीब 53,000 रुपये का ये फ़ोन आ रहा है और 53,000 रुपये पे करने के बाद आपको Xiaomi के वल्गर एड्स वगैरह आपको इसके यूजर इंटरफेस के साथ आपको अगर देखने के लिए मिले तो इसे अच्छा है कि इससे दूरी बना करके ही रहा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और वैसे भी इस प्राइस रेंज में आपको काफ़ी अच्छे अच्छे फ़ोन्स भी मार्केट में हैं, तो आप उनको बेशक ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों अगला फ़ोन है सोनी का Xperia 1 2, जिसे रोमन में 2 लिखा गया है, और ये फ़ोन जून लास्ट तक आने की संभावना है हमारे इंडिया में, और इसका एक्सपेक्टेड प्राइस करीब करीब 75,000 से 90,000 रुपये का रखा गया है। सोनी इतने लंबे समय तक सोए रहने के बाद पता नहीं कहां से उठ कर आया और इतना फ्लैगशिप फ़ोन बनाने का विचार कर लिया। सोनी के मोबाइल मार्केट्स को देखते हुए अभी के समय में 75,000, 80,000, 90,000 का फ़ोन आप लेंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फीचर वाइज अगर ये 35,000 रुपये के रेंज में लॉन्च होता तो इसको खरीदने पर विचार किया जा सकता था। IQ वगैरह उसे सस्ते में फ़ोन आपको दे रहा है तो समझ में नहीं आता कि सोनी पर आप इतना एक्सपेंड करेंगे। दोस्तों इससे आगे कुछ ऐसे फ़ोन्स हैं जिसे मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप उसे खरीदने के लिए एक बार भी सोचें। तो दोस्तों इस कड़ी में सबसे पहला फ़ोन है हमारे सामने हुआवे का Y9S। इसमें आपको क्रीन का 710F प्रोसेसर देखने को मिलता है 20,000 के प्राइस रेंज में, जबकि इसी की सक्सेसर कंपनी जो है Honor 9X Pro उसने लॉन्च किया था कुछ समय पहले क्रीन का ही 810F प्रोसेसर 15,000 रुपये में। तो 5,000 उसके हिसाब से भी आपको इसमें ज़्यादा पे करने पड़ रहे हैं, तो बच के रहें इस फ़ोन से। दोस्तों अगला फ़ोन है हमारे सामने आईफोन का SE 2020 मॉडल, और इसमें चिपसेट आपको अच्छा मिलता है, कैमरा आपको अच्छा मिलता है, आईफोन का ब्रांड वैल्यू है सो अलग है, इसका OS वगैरह के बारे में ना बोलें तो ही अच्छा है, लेकिन आपको इसके साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, और वो सब हैं आपको इसके साथ 1821 mAh का बैटरी आज के डेट में दिया जा रहा है, जहां सारे कंपनियां 5,000, 4,000, 3,000 कम से कम तो ज़रूर दे रही है, और इसके साथ आपको 5W का चार्जर मिलेगा। 2020 में 5W का चार्जर आपको मिलेगा। इस फ़ोन का रेगुलर यूजेज में जो बैकअप आया है वो करीब करीब 4 घंटे से भी कम का होता है, तो ऐसे में आप इसको दिन भर में 3-4 बार चार्ज करते करते परेशान हो जाएंगे। और इसका प्राइस रखा गया है 42,000 रुपये। जी हाँ, 42,000 रुपये का ये फ़ोन आ रहा है। अगर आप आईफोन के ब्रांड वैल्यू और शो ऑफ के लिए ये फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं तो बेशक आप ख़रीद सकते हैं। आपको इसमें बड़े बड़े बेजल्स भी मिलते हैं जो आज के हिसाब से काफ़ी आउटडेटेड भी लगते हैं, और 42,000 के प्राइस रेंज में इसको ख़रीदने में मुझे कोई समझदारी नहीं दिखती। मेरे तरफ से तो बिल्कुल भी इसको ख़रीदने के लिए कोई रिकमेंडेशन आपको मैं नहीं दूंगा। दोस्तों अगला फ़ोन है Oppo Reno 3 Pro। इसमें आपको सेल्फी वगैरह काफ़ी अच्छा मिलेगा देखने को, बाद बाकी फ़ीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन आपको इसके साथ एक कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, वो है इसके प्रोसेसर के साथ। इसमें एक नया प्रोसेसर दिया गया है हीलियो का P95, जो कि एक सेल्फी सेंट्रिक प्रोसेसर है, सेल्फी आपको बहुत अच्छा खींच के देगा, लेकिन सिर्फ आपको सेल्फी के लिए 32,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। जी हाँ, 32,000 रुपये सिर्फ सेल्फी के लिए। अगर आप सिर्फ सेल्फी के लिए फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं तो आपके पास इससे भी अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं, काफ़ी कम प्राइस में मिल जाएंगे। सिर्फ सेल्फी के लिए 32,000 रुपये पे करना कहीं से भी समझदारी नहीं लगती है, मैं इसे रिकमेंड नहीं करता। तो दोस्तों अगला फ़ोन है हमारे सामने वीवो का V19। इसमें भी आपको वही देखने को मिलेगा, कैमरा सेंट्रिक फ़ोन है, कैमरा सेंट्रिक नहीं सेल्फी सेंट्रिक फ़ोन है ये, और इसमें भी आपको सुंदर सुंदर सेल्फी क्लिक करके देता है। बेस वेरिएंट का इसका प्राइस होता है करीब 28,000 रुपये, और टॉप वेरिएंट का प्राइस इसमें आता है 32,000 रुपये का, और इसमें आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है Snapdragon 712। फीचर्स के मामले में इसमें भर भर के आपको फीचर्स दिए गए हैं, जैसे 33W टाइप सी चार्जिंग है, फास्ट चार्ज 2.0 वीवो का, और 32 MP प्लस 8 MP का ड्यूबल फ्रंट कैमरा मिलता है आपको सुपर सेल्फी के लिए। बस इसमें भी वही झोल है प्रोसेसर का Snapdragon 712। आपको इससे कम प्राइस रेंज में और भी अच्छे फ़ोन देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आपको अगर सिर्फ सेल्फी ही चाहिए, अच्छी सेल्फी चाहिए, वाइड एंगल कैमरा चाहिए, सुपर चार्ज चाहिए आपको 2.0, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। दोस्तों अगला फ़ोन है हमारे सामने मोटोरोला का एज प्लस, लॉन्च हुआ है हाल ही में, आप लोग को पता होगा, और इसमें भी आपको फीचर्स भर भर के दिए गए हैं, जैसे
फास्ट परफॉर्मेंस के लिए आपको स्नैपड्रैगन 865 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज के साथ दिया गया है। 5000 mAh की बैटरी है। वायरलेस चार्जिंग भी आपको मिलता है टर्बो पावर के साथ। इसके साथ आपको 108 MP का हाईएस्ट रिजोल्यूशन वाला कैमरा अभी तक का दिया गया है और 6.7 इंच का एमोलेड एंडलेस एज डिस्प्ले दिया गया है HDR10+ के साथ। तो फीचर्स के मामले में तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन अभी के डेट में मोटोरोला के ब्रांड वैल्यू के हिसाब से 75,000 रुपया लगाना इस फ़ोन पर समझदारी मुझे नहीं लगती है। आप इस प्राइस रेंज में कुछ एस्टेब्लिश ब्रांड जैसे सैमसंग आईफोन वगैरह के फ़ोन देख सकते हैं, आपको बिल्कुल मिल जाएंगे जो कि एस्टेब्लिश ब्रांड हैं। मैं इस फ़ोन को खरीदने के लिए बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, बाकी आपकी मर्जी। दोस्तों अगला फ़ोन है हमारे सामने, वो है मोटोरोला का मोटो रेजर 2020 जो एक ज़माने में काफ़ी सुपरहिट फ़ोन था, लेकिन अभी के समय में ये लॉन्च किया गया है करीब करीब 1,25,000 के प्राइस रेंज में। इसके साथ भी सेम वही प्रॉब्लम है ब्रांड वैल्यू का। 1,25,000 रुपए का मोटोरोला का फोन आप खरीदना पसंद करेंगे, ब्रांड वैल्यू अभी के हिसाब से इसकी नहीं है। इतने में आईफोन आ जाएगा आराम से। और इसके साथ आपको स्नैपड्रैगन 710 का पुराना प्रोसेसर दिया गया है और इसका कंपटीटर सैमसंग ने भी अपने फोल्डेबल फ़ोन जो कि सैमसंग जी फ्लिप करके आता है उसे 1,15,000 में लॉन्च किया है। तो अभी के हिसाब से बुद्धिमानी नहीं है इस फोन पर करीब 1,25,000 रुपए लगाना। दोस्तों वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म, समय आ गया है आपसे विदा लेने का। आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले समय में हम लोग इसी तरीके से बैठकर एक दूसरे के साथ बात कर सकें। और बगल का ये दोनों वीडियो भी देखना बिल्कुल ना भूलें, ये भी आपके काम की है। मिलते हैं आने वाले नए वीडियो में, धन्यवाद।